अष्टम भाव को लेके बहुत सारी बातें जो है सुनने को मिलती रहती हैं। कई बार तो जो व्यक्ति आते हैं हमारे पास, उनकी बातों को सुन के, क्योंकि वो जो ज्योतिष पढ़ के आए होते हैं, सुन के आए होते हैं, जिससे सुन के आए होते हैं, तो ज़्यादातर इस तरह के ज्योतिष होते हैं जिनों को एक लाइन कहाँ से कहीं से पढ़ ली, एक लाइन कहीं और से पढ़ ली, तो उसको मिला के उन्होंने अपना ही कुछ जो है इन्फ्लुएंस बना लिया। तो कई बार तो उनकी बातें सुन के हंसी आती है, कई बार दुख भी होता है कि ज्योतिष का क्या रूप बना दिया। जो एक गहन विद्या है उसको एक लोग मजाक के रूप में बनाने लगते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप पूर्णतः नहीं जानते तो उसके ऊपर अगर आप टिप्पणियां करोगे, उसको अगर आप छोटा छोटा कहीं से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो उसको नहीं समझ पाओगे, और वो आप उसका या तो नुकसान पाओगे या उसको एक हंसी का पात्र बना दोगे उस विद्या को ही। ऐसा ही आजकल ज्योतिष के साथ हो रहा है। तो लोग जो आते हैं वो अष्टम भाव के बारे में बड़ी मजेदार बातें बताते हैं। चलो उस कहानी को एक अलग साइड पे रखते हैं। जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव हमारे जीवन में कुछ बहुत जो है वो पॉजिटिव चीजों की समझ को बताता है। सबसे पहले जो अष्टम भाव की को समझना चाहिए कि ये है वो भाव जो कि छिपी हुई चीजों से रिलेटेड है। ये ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड जो भी व्यक्ति आपको मिलेंगे उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे अगर कोई आपको ज्योतिषी मिलेगा, कोई ध्यान योग का स्पेशलिस्ट मिलेगा, कोई और ऐसा व्यक्ति मिलेगा, तो वो सभी जो है उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होगा। अष्टम भाव जो है वो इंट्यूशन को देता है, चीजों के होने का पहले से आभास दे देता है। सिक्स्थ सेंस से बोलते हैं, वो इसी से आती है। जो भी आप बहुत कामयाब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, गायक, ये सभी देखेंगे, जो भी फाइन आर्ट्स के साथ रिलेटेड है, वो सभी जो है एक स्ट्रॉन्ग अष्टम भाव वाले व्यक्ति होंगे। जब आप किसी खिलाड़ी का चार्ट देखेंगे तो उसके केस में भी अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होगा, तभी वो बाकियों से एक्सेल कर पाएगा, वो उन तरीकों को, उन स्कीम्स को क्रिएट कर पाएगा जो कि आम व्यक्ति को नहीं पता, और उसके दम पे वो बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करके एक कामयाबी पाले। जो सीक्रेट सर्विसेज में लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अष्टम भाव वाले व्यक्ति होते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, चीजों को खोजबीन के निकालते हैं, उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी बहुत सारी विशेष जो चीजें हैं वो अष्टम भाव की स्ट्रेंथ से पता चलती है। कुछ इसके जो है नेगेटिव पार्ट्स भी होते हैं, पर वो नेगेटिव पार्ट्स एक्चुअली हमारी फिलॉसफी के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये जो है मोक्ष का घर भी है। ये बताता है कि फाइनल व्यक्ति की लिबरेशन कैसे होगी। मृत्यु जिससे हम डरते हैं बहुत, वो तो इस संसार से एक तरह से छूटने का समय है ना, छूटने का तरीका है। तो वो व्यक्ति इस संसार से कैसे छूटेगा ये भी अष्टम भाव से ही पता चलता है। व्यक्ति की जिसे सरल भाषा में मृत्यु कैसे होगी ये भी इसी भाव से पता चलता है। व्यक्ति की आयु कितनी है, ये दीर्घ आयु वाला व्यक्ति है या छोटी आयु वाला व्यक्ति है,
ये भी अष्टम भाव से ही पता चलता है। बहुत सारी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ की, उनका संबंध जो है वो अष्टम भाव से होता है। अष्टम भाव क्योंकि सप्तम भाव का अगला भाव है, तो ये हमारी पार्टनरशिप्स कैसे भी रिलेटेड होता है, ये हमारे मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड होता है, ये हमारी जो मैरिड लाइफ का फिजिकल पार्ट है उसके साथ भी रिलेटेड होता है, बहुत सी चीजों के साथ ये रिलेटेड रहता है। तो इसको समझने से हम जीवन के बहुत सारे पहलू जो है उनको समझ पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं कि अगर कोई ग्रह अष्टम भाव में चला गया तो वो वहां पे जाके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह जो है बहुत सारी कहानियों को बता रहा होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो व्यक्ति इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा धन पा लेते हैं या जो इंश्योरेंस में रिसर्च करते हैं, इंश्योरेंस की स्टडीज करते हैं, उनका भी जो है अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है।